अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट है जहाँ पे बांग्लादेश के और पाकिस्तान के लोगों ने अपने अपने होटल खोले हुए हैं। और ये हम आ गए हैं जी सनवे होटल के करीब, बिल्कुल हमारे सर पे मौजूद है इस वक्त। और ये एरिया कमर्शियल एरिया है। उस दिन जो मैं आपको दिखा रहा था वो थोड़ा मुख्तलिफ इलाका था, सन के एल कोलालंपुर सिटी था। अब जब हम आ रहे हैं तो ये एरिया जो है ना जी, ये एरिया आप इसे कह सकते हैं सुबंग जाया PJS, ठीक है जी, ये वो एरिया है। और यहाँ की जो तर्ज रिहाइश है दूसरे इलाकों से थोड़ा मुख्तलिफ है। पुरमन इलाका है, पढ़ा लिखा इलाका है, एजुकेशन रेट यहाँ पे दूसरे इलाकों से काफ़ी हाई है, ठीक है जी। और ये हम आ गए जी सनवे होटल के करीब, और ये सनवे होटल के बिल्कुल करीब हम पहुँच गए। तो ये यहाँ पे इनकी एंट्रेंस है सनवे होटल की। चलें आपको सनवे होटल की थोड़ा सा अंदर से दिखाते हैं। ये सनवे लगून होटल है और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये यहाँ से मॉल को जाने का एक मरकज़ी रास्ता यहाँ से होकर जाता है, ठीक है जी। तो आपको वेलकम करते हैं हम मलेशिया में, देखते हैं आगे हम कहाँ तक जाते हैं, ठीक है जी। रास्ते में कुछ आने वाली ऐसी कुछ नागवार चीज़ें जो आप समझें कि मुझसे गफलत हुई है, मैं उस पर माजरत चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अब ये देख लें, यहाँ पे कैशलेस पेमेंट है हर चीज़ के लिए। यहाँ पे गाड़ियों की बुकिंग करें और यहीं से गाड़ी आपको पिक करने आएगी। इसके बाद इस तरफ मैं नहीं जाता, कुछ नाजेबा चीज़ें हैं, चलें इस तरफ चलते हैं, शॉर्टकट लेते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे स्नूकर बिलियर्ड वगैरह के क्लब वगैरह और छोटा मोटा हल्ला गुल्ला मौज मस्ती के लिए है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ आपकी तरफ आने वाली है। ये आपको मैं दिखाना चाह रहा था, वो लोग जो विद फैमिली मलेशिया का सफ़र कर रहे हैं। तो ये देखेंगे, ये यहाँ पे जगह जगह छोटे बड़े मालों में ये इस तरह के बच्चों के प्ले लैंड बने हुए हैं, जहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करके बच्चों को रखा जाता है। बच्चों को खेलने के लिए जगह फराहम की जाती है, खाने पीने का बंदोबस्त होता है, दीगर मामलात होते हैं। ये देखें, खाएं पिएं रेस्ट करें यहाँ इस रेस्ट एरिया में। और ये देखें, बच्चे इस तरह से खेल रहे होते हैं। और ये सारा एरिया, ठीक है जी। अब ये इस तरफ देखें, पास ही बच्चों की ख़रीदारी के 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये वो आप देख रहे होंगे रेट, बहुत ही मुनासिब रेट में यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं। गो के महंगी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, लेकिन ओवरऑल मलेशिया जो है एक दरमियाने मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही सूट करता है। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।